Assalamu alaikum to all my students. I hope you all are good and fine. Today we start our first chapter of science, which name is Structure of Living Organisms. Living organisms basically hote kya hain is aur unka structure kya hota hai, is chapter mein hum ye discuss karne wale hain. Theek hai? Structure of a flowering plant. फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर क्या है, अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो है हम एनिमल का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट वन इज़ फ्लावरिंग प्लांट. अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, वन विच इज़ वेजिटेटिव पार्ट एंड अदर वन इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो क्या होते हैं, दो तरह के पार्ट्स बता दिए गए आपको फ्लावरिंग प्लांट के. तो एक जो है वो क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, और दूसरा कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, तो वेजिटेटिव पार्ट क्या होते हैं, कौन से होते हैं. द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. दे फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये कौन कौन से पार्ट जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट कहलाएंगे. स्टेम यानी कि तना, रूट जड़, और लीव्स जो है वो पत्ते, वो जो है वो कौन से पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं. ठीक है, जो कि प्लांट की बॉडी को फॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट आपके कौन से पार्ट होते हैं, सिंपल जो है वो एक फ्लावर, पूरे प्लांट का एक फ्लावर जो है वो क्या होता है, आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है प्लांट का. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेम को डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेम जो है वो, स्टेम का स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टेम जो है वो किस टाइप का होता है. द स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड. ठीक है, स्टेम प्लांट का एक वो पार्ट होता है जो ग्राउंड के अबव ग्रो करता है. अबव मतलब कि ये ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर रहा होता है. ठीक है, ज़मीन से ऊपर ग्रो कर रहा होता है. इट बेयर्स लीव, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, जो कि अपने साथ क्या क्या लेके ग्रो कर रहा होता है. उसमें जो है स्टेम में आपके पास लीव्स होते हैं यानी कि पत्ते, BUD बर्ड्स यानी कि कलियाँ, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. स्टेम ने अपने पास क्या क्या चीज़ों को बेयर किया हुआ होता है, स्टेम जो है वो एक स्टेम क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त कर रहा होता है, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स. ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्टेम की करेक्टर्स क्या क्या होते हैं. द स्टेम इज़ यूजुअली इरेक्ट एंड अपराइट. स्टेम जो है वो नॉर्मली जो आम तौर पर है वो किस तरह के होते हैं, स्ट्रेट होते हैं. अपराइट मीन्स के वो स्ट्रेट होंगे. ठीक है, बट सम स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड. कुछ स्टेम्स लेकिन ऐसे भी होते हैं जो कि ज़मीन पर किस तरह से ग्रो कर रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे कि अपराइट के ये डायरेक्शन है. ठीक है, और कुछ जो है वो आपके हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे होते हैं इन डायरेक्शन में. अब वो कौन से प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम्स जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही होती है, तो लाइक दोस ऑफ द स्ट्रॉबेरी प्लांट. स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के जो आपके पास प्लांट है, स्ट्रॉबेरी प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है, लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम फ्रॉम सॉलन एरिया कॉल्ड नोड्स. अब आपके पास क्या है, लीव्स. तो लीव्स जो है, लीव्स हो गई और कलियाँ हो गई, वो कहाँ पे ग्रो कर रही होती हैं, तो वो स्टेम के एक सॉलन पार्ट पर जो है वो ग्रो कर रही होती है. स्टेम है, उसके बाद उसके एक सॉलन पार्ट होता है जहाँ पर लीव ग्रो कर रहा होता है, और वहीं पर ही कलियाँ जो है वो ग्रो कर रही होती हैं. ठीक है, अब जो क्या है कि स्टेम फ्रॉम सॉलन एरिया कॉल्ड नोड्स, जिस एरिया से, जिस जगह से आपके पास जो है वो लीव अराइज़ हो रहा होता है, उस एरिया को हम क्या कह रहे होते हैं, नोड्स कह रहे होते हैं. ठीक है, नोड, NODES. ठीक है, तो अब हम जो है वो नोड्स की बात कर रहे थे. तो लीव एंड बर्ड्स ग्रो ऑन द स्टेम फ्रॉम सॉलन एरिया कॉल्ड नोड्स. नोड्स जो है वो किस एरिया को कहते हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये पिक्चर है, ये वाला जो एरिया जहाँ से लीव जो है वो आपका ग्रो कर रहा होता है, दिस इज़, ठीक है, ये, या फिर अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो ये लीव का एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड, जहाँ से ये लीव जो है वो ग्रो कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं. ठीक है, और अब इंटरनोड क्या चीज़ है, इंटरनोड इन दोनों लीव्स के बीच के डिफरेंस को हमने क्या नाम दे दिया, इंटरनोड्स नाम दे दिया. ठीक है, कंजिग्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू लीव्स इज़ कॉल्ड इंटरनोड. ओके, सब स्टेम्स सच दोज एज पोटैटोज एंड जिंजर ग्रो अंडरग्राउंड एंड स्टोर अ लॉट ऑफ फूड. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, ये आप लोग जानते होंगे, कि उनका जो प्लांट है वो फ्रूट जो है या जो भी वेजिटेबल्स है वो अंडर द ग्राउंड होते हैं. ठीक है, जैसे पोटैटो, जिंजर की फर्स्ट पेज पर आपके पास ये डायग्राम बनी हुई, ये सब जो है वो कहाँ होते हैं, अंडरग्राउंड जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है, यंग स्टेम्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल. स्टेम्स जो है वो, यंग स्टेम्स जो है वो बेसिकली किस कलर्स की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, क्योंकि वो क्या कंटेन कर रहे होते हैं, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या चीज़ होती है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होता है, और जो इसे किस काम के लिए यूज़ हो रहा होता है, ये प्लांट को अपना फूड बनाने में,
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं। दे ऑल्सो हैव टाइनी होल्स, स्टेम्स के ऊपर टाइनी होल्स होते हैं। टाइनी होल्स से मुराद क्या है कि इस पर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि किसका काम कर रहे होते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम कर रहे होते हैं। ये बात आप लोग सब जानते होंगे कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से अपने अंदर ले रहा होता है और ऑक्सीजन को हमारे पास हमें दे रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होता है, गैसियस एक्सचेंज का एक काम कर रहा होता है। द स्टेम हैज़ अ बड एट द टिप इज कॉल्ड टर्मिनल बड बाय विच द स्टेम इंक्रीज इन लेंथ। स्मॉल बर्ड्स कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स को जो है छोटी कलियाँ, ठीक है, स्मॉल बर्ड्स कलियों का मैंने आपको बताया, इसको हम एक्सिलरी बर्ड कह रहे होते हैं। और इसके अलावा जो स्टेम हैज़ अ बड एट द टिप इज कॉल्ड अ टर्मिनल बर्ड, जो स्टेम्स के जो टिप पर आपके पास बर्ड्स होती हैं स्टेम के, उसको आपने क्या नाम दे दिया, टर्मिनल बर्ड। ओके, अब फंक्शन क्या है स्टेम का, स्टेम का काम क्या है? तो स्टेम का काम सबसे पहले आपके पास क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, ठीक है। ये किस काम आ रहा होता है कि ये वाटर को जो है वो रूट से लेकर कहाँ पर पहुँचा रहा होता है, लीफ से पहुँचा रहा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है, तो अब मैं वाटर उसको दे रही हूँ, ठीक है, वो मैं उसको ग्राउंड में दे रही हूँ। अब क्या होगा कि वो ग्राउंड से जो है, अब क्या है कि वो रूट से जो है उस वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचाएगा, पूरे प्लांट के जो बॉडी है उस पर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। स्टेम के थ्रू वो लीव्स में भी जाएगा, वो फ्लावर्स में भी जाएगा, वो फ्रूट तक भी पहुंचेगा। द स्टेम बेयर द लीफ फ्लावर बर्ड्स एंड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट, इट स्पेस आउट एट द लीफ सो दैट ईच लीव ऑब्टेन एयर एंड सनलाइट, इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीफ। ये क्या काम कर रहा होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है रूट से लेकर कहाँ तक, लीव्स तक। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड फ्रॉम द लीव टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका एक और मेन फंक्शन क्या है कि ये प्लांट के लिए फूड को प्रिपेयर करने में, प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। इट होल्ड्स द फ्लावर एक्सपोज टू द एयर सो दैट दे कैन बी पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। और इसने अपने एक और काम इसका क्या होता है कि इसने फ्लावर को भी जो है वो होल्ड किया हुआ होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम, सम स्टेम स्टोर फूड एंड देयरफॉर बिकम थिक एंड फ्लैशी। कुछ स्टेम्स जो है वो थिक एंड फ्लैशी भी होते हैं, थिक यानी कि थोड़े से मोटे होते हैं, और फ्लैशी जो है थोड़े से आप समझ लें कि फ्लैशी थोड़े से नरम नरम टाइप के होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टाइप के होते हैं। आपके पास स्टेम के बाद अब आपके पास जो अगला पार्ट आ रहा है वो क्या है, रूट। द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट कौन सा पार्ट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है। ये सबको पता है कि रूट्स जो है वो ज़मीन के नीचे होते हैं, ठीक है, ज़मीन अंडरग्राउंड होते हैं। पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ नॉन ग्रीन इन कलर, उनका जो कलर है वो नॉन ग्रीन होता है क्योंकि उसमें जो है वो क्लोरोफिल का कोई पिगमेंट नहीं होता। जो अभी हमने वहाँ पे पढ़ा स्टेम में क्लोरोफिल है, लीव्स में क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट बेसिकली वो इसमें इन रूट्स में नहीं पाया जाता, ठीक है, जिस वजह से ये ग्रीन कलर के नहीं होते। इट डज़ नॉट बेयर लीव और बर्ड्स, जिस तरह से स्टेम ने लीव और बर्ड्स को बेयर किया हुआ होता है, इस तरह से रूट का ऐसा एज सच कोई फंक्शन, ये वाला फंक्शन नहीं होता कि वो लीव्स या बर्ड्स को अपने पास कैरी करके रखे। बट इट हैज़ ग्रोइंग पॉइंट और रूट टिप, लेकिन अगर रूट ही ख़राब है तो हमारा प्लांट जो है वो बेसिक, ज़ाहिर है नॉर्मल सी बात है कि अगर रूट हमारा ख़राब हो जाएगी तो प्लांट तो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से क्या है कि ये एक ग्रोइंग पॉइंट है। सबसे पहले प्लांट में क्या होती है, ग्रोइंग प्लांट सबसे पहले अगर आपने कोई भी बीज सीड लगाया है या कुछ भी किया है तो उसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास रूट ग्रो करता है, उसके बाद आपके पास और पार्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक ग्रोइंग पॉइंट है और इसको आप रूट टिप भी कहते हैं। By which it increase in length, जिसके ज़रिए क्या होता है कि उसके प्लांट की लेंथ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ होती है। रूट टिप by which increase in length, अच्छा रूट टिप जब स्टार्ट में छोटी होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एक साथ ही बड़ी निकलेगी, ठीक है, पहले छोटी सी होगी फिर उसके बाद और बड़ी फिर और बड़ी। ओके, द टिप इज़ प्रोटेक्टेड बाई द स्ट्रॉन्ग रूट कैप, अ लिटल अबव द रूट कैप इज़ रीजन विच हैज़ वेरी फाइन रूट हेयर्स। अच्छा, अब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है रूट टिप, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहाँ से इसने ग्रो करना स्टार्ट किया होगा। इसके बाद आपके पास रूट हेयर्स जो बताया जा रहा है, तो रूट हेयर्स आपके पास कहाँ हैं, रूट हेयर्स जो है वो आपके ये हैं, ठीक है, रूट हेयर्स ने यहाँ से इसको ग्रो किया। तो ये रूट हेयर्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, विच हेल्प्स द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। अब मैंने अगर कोई प्लांट ग्रो किया है,
ठीक है, मैंने कोई पौधा लगाया है, कोई बीज ज़मीन में सो किया है, बोया है, ठीक है, तो अब कुछ टाइम बाद जब वो पौधा ग्रो करेगा तो क्या होगा, वो रूट्स जो है मैं जो भी वाटर दे रही हूँ उसको और वहाँ पर जो भी मिनरल्स हैं, जो मिट्टी है उसकी सॉइल है, वो क्या हो रहा होगा कि वो जो मिनरल्स हैं या सॉल्ट्स हैं या वाटर है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ये रूट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, रूट एब्जॉर्ब करके वो अपने रूट हेयर्स को पहुँचाएगा और देन ये आगे पास करेंगे, स्टेम पे जाएगा फिर लीव्स पे जाएगा, ठीक है। तो सम रूट्स हैव वन थिक मेन रूट फ्रॉम विच ब्रांच रूट ग्रो, सच रूट लाइक कैरेट रेडिश आर कॉल्ड टैप रूट। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि रूट की भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वन इज़ टैप रूट, सेकंड जो है वो एडवेंटिशियस रूट है और थर्ड वन जो है वो फिब्रस रूट है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी जो है वो टैप रूट है और कौन सी जो है वो एडवेंटिशियस और कौन सी फिब्रस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टैप रूट को, ठीक है, तो टैप रूट कौन सी रूट होती है, सच रूट्स सम रूट्स हैव वन थिक मेन रूट, आपने ये पिक्चर में अगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये एक जो है वो रेडिश बनी हुई है, ठीक है, मूली या फिर आपके पास कैरेट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी एक मेन थिक रूट होती है, थिक रूट से मुराद कि ये जो चीज़ है ना ये रूट कहलाती है, जो हम नॉर्मली रेडिश या कैरेट यूज़ कर रहे होते हैं वो रूट ही होती है बेसिकली, ठीक है। तो कुछ जो है वो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जो रूट्स है वो क्या होती हैं, थिक होती हैं और वन होती हैं, एक होती हैं, ओके, सच रूट लाइक कैरेट एंड रेडिश आर कॉल्ड टैप रूट, इस तरह की जितनी भी रूट्स होंगी उनको हम क्या नाम देंगे, टैप रूट। इन सम प्लांट लाइक ग्रास मैनी ब्रांचेज रूट ऑफ द सेम साइज ग्रो बट एट द सेम टाइम सच रूट्स आर कॉल्ड फिब्रस रूट। अब आपके पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, बस ये एक पिक्चर है जो आपको शायद ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए, तो ये है आपके पास कौन सी रूट, फिब्रस रूट, ये इस तरह की रूट है कि इसकी जो है वो एक साथ बहुत सारी रूट्स जो है वो एक साथ ही अराइज हो रही होती है, ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं, बुक में भी यही पिक्चर है लेकिन वो थोड़ा क्लियर हो जाता है इसलिए मैंने इसमें ले लिया, ओके। तो एडवेंटिशियस रूट हो गया आपका, एडवेंटिशियस रूट अब रह गया, एडवेंटिशियस रूट कौन सी रूट होती है जिनकी सम रूट्स लाइक द अनियन बल्ब ग्रो डायरेक्टली फ्राम द स्टेम, दीज आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जो है वो आपके पास इस तरह की होती है जो कि ज़मीन पर इस तरह से ग्रो कर रही होती है, ओके, एक ही जो है उसमें लाइन में ग्रो कर रही होगी, सही, और ये आपके पास जो एग्जाम्पल है यहाँ पर अनियन की दी हुई है कि डायरेक्टली फ्राम द स्टेम, स्टेम के साथ डायरेक्टली ही ग्रो कर रही होगी, दिस इज़ कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। तो तीन तरह की रूट्स की हमने बात कर ली, फर्स्ट वन इज़ टैप रूट, another is adventitious and third one is fibrous root. तो tap root कौन सी root होती है जो कि वन और thick होती है, adventitious root कौन सी होती है जो कि directly from the stem होती है, stem के साथ ही grow कर रही होती है, और जो fibrous root कौन सी होती है जो कि एक साथ उसका hairy structure होता है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, root का function क्या है, तो ये root का function तो आप लोगों को मैंने बता दिया, the root fixes the plant firmly in the soil. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमने कोई plant लगाया है और वो जो है हिल गया अपनी जगह से किसी भी वजह से, कोई आंधी आई, कोई तूफ़ान आया है, कुछ भी हो गया, तो उसकी जो रूट्स हैं वो वहाँ से फिक्स जो थी ज़मीन पर, जो सॉइल पर, वो हिल गई, तो क्या होगा कि वो प्लांट जो है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, जाहिर है जब वो फिक्स ही नहीं है सही तो उसको ना वाटर प्रॉपरली मिल पाएगा ना ही वो वहाँ से सॉल्ट ले पाएगा, ठीक है। तो रूट का सबसे जो मेन काम है वो क्या है कि वो प्लांट को फिक्स कर रहा होता है सॉइल के अंदर, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्राम द सॉइल। सेकेंड फंक्शन आप इसका क्या ले लेंगे कि ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है क्या चीज़, वाटर और मिनरल्स को ले रहा होता है सॉइल के अंदर से और पूरे प्लांट को दे रहा होता है, और रूट में स्टोर फूड एज वेल, और रूट के अंदर जो है वो स्टोर फूड भी जो है वो स्टोर हो सकता है। अब फूड किस तरह से स्टोर हो सकता है, जैसे कि मैंने टैप रूट की एग्जाम्पल बताई आपको, ठीक है, ये आप फूड है ना, आप इसे खा रहे होते हैं, कैरेट हो गया या रेडिश हो गई, ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो कि हम फूड के तौर पर भी उसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। अब है आपके पास लीफ, वेजिटेटिव पार्ट का आपके पास जो है वो लास्ट पार्ट रह गया है, वो कौन सा है, लीफ, द लीफ इज़ द फ्लैट ग्रीन, लीफ तो सबने देखा होगा और बहुत अच्छे से देखा होगा, ठीक है, तो लीफ के बारे में क्या बातें हैं आपके पास कि लीफ जो है फ्लैट ग्रीन कलर का होता है, फ्लैट होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो फ्रॉम नोड ऑन द स्टेम, नोड और इंटरनोड वाली एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पर समझा दी थी कि नोड जो है वो चीज़ होती है जहाँ से प्लांट ग्रो कर रहा होता है, ओके। इट हैज़ टू सरफेस ऑन अपर शाइनी सरफेस एंड अ लोअर डल सरफेस। अब मेरे पास ये एक लीव है, इसमें अगर आपको क्लियरली दिख सके तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अपर पार्ट जो है वो कैसी होती है, इट हैज़ टू सरफेस, अपर वन जो है वो शाइनी होती है, ठीक है, और अनदर जो है वो लोअर सरफेस कौन सी होती है, डल होती है, ठीक है, फ़र्क है, ये लोअर सरफेस है और ये अपर है, चेंज है ना दोनों में, ठीक है।
तो ये फ़र्क तो आपको मैंने यहाँ पर क्लियरली दिखा दिया है। ओके, विच कंटेन टाइनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या चीज़ है? प्लांट्स के ये जो मैंने आपको बैक साइड दिखाया है, ये फ्रंट है और ये बैक है। लोअर सरफेस पर जो है छोटे छोटे से कुछ पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? स्टोमेटा कह रहे होते हैं। होल्स होते हैं, स्टोमेटा कह रहे होते हैं उनको हम। ठीक है, तो वो क्या काम करते हैं स्टोमेटा? या आपके पास डायग्राम बनी हुई है स्टोमेटा की, कि ये जो है मैंने अभी पीछे भी बताया था आपको, प्रीवियस बताते हुए आई हूँ, कि एक्सचेंज कर रहे होते हैं क्या चीज़? गैसेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लीव ब्लड। अच्छा जी, अब आपके पास क्या है? फ्लावर सॉरी लीव के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो फ्लैट ग्रीन पार्ट है, जैसे कि ये, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? लीव ब्लड। और लेमिना, इसको हम लेमिना भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी इसको हमने लेमिना का नाम दिया है। ओके, विच इज़ अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ स्टॉक और पेट्यूल। अब ये जो पार्ट है, ये किस तरह से प्लांट में अटैच होता है? यहाँ पर मैंने इसको जहाँ से भी इसको मैंने तोड़ा है, तो इसकी कोई मेन ब्रांच तो होगी ना। जैसे ये है, तो ये तो किसी स्टेम में लगा हुआ होगा, अटैच हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो क्या है कि ये जो ब्रांच है वो किससे अटैच हुई हुई होती है? लीफ स्टॉक और पेट्यूल। इसको जो हमने नाम दिया वो कौन है? लीफ स्टॉक, STALK। ठीक है, ये रहा, या फिर हम इसे पेट्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अटैच होती है किसके साथ? स्टेम के साथ। द लेमिना इज़ सपोर्टेड बाय अ थिक मिड रिब इन द मिडल एंड अ नेटवर्क ऑफ वेन। अब आप देखें, ये एक लीफ है और इसके बीच में एक मिड एक लाइन जा रही है। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया? मिड रिब। अब आप इसमें अगर देखें, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से आते आते यहाँ पर ये जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ मिड रिब। मिड मतलब क्या होता है? बीच, सेंटर। तो यहाँ पर एक रिब जा रही है, मिड रिब, जिसको हमने नाम दे दिया। ओके, अच्छा, एंड अ नेटवर्क ऑफ वेन्स। इसके अंदर नेटवर्क ऑफ वेन्स भी होते हैं। अगर आप इसको क्लियरली देख सकें तो प्लीज़ इसे आप गौर से देखें तो आपको दिख जाएगा कि लीफ में आपके पास यहाँ पर ये एक तो मिड रिब हो गई, ठीक है, बाकी आपके पास यहाँ पर जो है वो बहुत सारी वेन्स हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है? एक बारीक बारीक, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो थिन रिब्स जा रही हैं, जो कि उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस पूरे लीफ पे, विच ट्रांसपोर्ट फूड एंड वाटर इन द लीव, जो कि किस में हेल्प कर रही होती हैं? वाटर या फूड जो भी प्लांट का होता है उसमें ये हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है लीफ का? फंक्शन क्या है भाई लीफ का? द लीफ मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर द प्लांट थ्रू द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी मैं बताते हुए आई थी ऊपर फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की क्या बात है? कि ये फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? कि ये सनलाइट के ज़रिए लीफ अपना फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, ताकि वो पूरे जो है वो अपने और जो है वो प्लांट फ्लावर को पहुंचा सके। ठीक है, तो लीफ मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर द प्लांट, लीफ के ज़रिए फ्लावर, पूरा प्लांट का जो है वो फूड प्रिपेयर हो रहा होता है, जिसके प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा इन द लीव्स हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा के बारे में आपको बताया मैंने अभी, ये डायग्राम बनी हुई है स्टोमेटा की, जो कि हेल्प कर रही होती है किसमें? गैसेस एक्सचेंज में, गैसेस के एक्सचेंज होने में, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने में और ऑक्सीजन को बाहर निकालने में। सम टेक इन फ्लैशी लीव्स स्टोर फूड। ठीक है, कुछ लीव्स ऐसे भी होते हैं जो कि फूड स्टोर किए हुए होते हैं। तो यहाँ तक जो बात थी, ये थी वेजिटेटिव पार्ट की, जो कि हमने कर ली। अब हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले जो एक ही पार्ट है इसका, क्या पार्ट है? द फ्लावर। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इट्स मेक फ्रूट एंड सीड फ्रॉम विच न्यू प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर प्रोड्यूस। अब फ्लावर के फ्लावर जो है वो कौन सा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, जो कि क्या प्रिपेयर कर रहा होता है? फ्रूट बनाता है, सीड्स परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, इट कंटेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? ठीक है, तो इसको हम सिंपली देख लेते हैं कि द पार्ट ऑफ द फ्लावर आर अरेंज इन सर्कल और रूरल्स ऑन द रिसेप्टिकल्स। ठीक है, ये डायग्राम आपके पास है, ये फ्लावर के एक डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, इसको आप बेसिकली क्या कहते हैं? ये आप इसको पत्ते बोलते हैं फ्लावर के, तो ये इसको आपने क्या नाम दे दिया? ये पेटल्स हैं फ्लावर के, ये पेटल्स हो गए। अच्छा, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है जो फ्लावर के नीचे नीचे के पार्ट को सेव कर रहा होता है, ये क्या चीज़ है? सेपल्स। ठीक है, इस डायग्राम में भी अगर आप देखना चाहें तो आपको दिख सकता है। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ये क्या हो गई? सेपल्स हो गए। और ये वाली जो चीज़ है वो क्या है?
पेटल्स हैं, ओके, विच इज़ फ्लैटेंड टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉक और पेडिस्टल्स। अच्छा जी, अब क्या है कि दो पार्ट्स के हमने नाम लिए, फर्स्ट वन इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा जो है वो कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। एंथर और फिलामेंट, ठीक है, डायग्राम में मैं आपको शो करती हूँ, ये देखें ये फ्लावर है, सही। अब आप जो है वो यहाँ देखें, ये जो चीज़ है ये वाली, क्लियर है, ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये जो यहाँ पर एक लाइन, एक बारीक सी डंडी जिसे आप कह सकते हैं या कोई लाइन है, इसको आपने क्या नाम दिया, फिलामेंट का नाम दिया, ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी ठीक है, ये फिलामेंट है और ये जो इसके ऊपर इस तरह का एक सीड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप सीड तो खाइए नहीं है, इसका जो नाम है वो क्या है, एंथर नाम है इसका, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होते हैं, स्टैमन बना रहे होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, ये फिलामेंट है, ओके, दिस वन इज़ फिलामेंट और इसके ऊपर जो ये जो दो पार्ट है ये क्या है, एंथर है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे होते हैं, स्टैमन बना रहे होते हैं। और ये कौन से पार्ट है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको आप क्या नाम दे सकते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है। द एंड्रोशियम इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विच फॉर्म्स अ थर्ड रूल, इट कंपोज्ड ऑफ स्टैमन, ठीक है। ईच स्टैमन हैज़ टू पार्ट्स, अ फिलामेंट विच इज़ अ थिन स्टॉक, ये एक थिन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा है, एंथर है, ठीक है, जो कि मैंने आपको उसमें शो कर दिया, ओके, ये हो गया स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट और इसके ऊपर एंथर, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, द गायनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंपोज्ड ऑफ कार्पल्स, कार्पल्स पे ये कंपोज्ड होता है। अब ये कार्पल्स में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, कार्पल्स जो है वो खुद तीन चीज़ों से मिलकर बना है, फर्स्ट वन इज़ ओवरी, सेकेंड वन इज़ स्टाइल एंड थर्ड वन इज़ स्टिग्मा। इंस्टाग्राम में आप देखें, ये एक स्वेलन पार्ट है, ठीक है, ये फ्लावर ऊपर से आ रहा है और यहाँ पर आकर ये स्वेल हो रहा है, तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, ये वाली जो बाहर वाली चीज़ है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ओवरी। अब इसके अंदर जो सीड्स हैं इसको हमने क्या नाम दे दिया, ओव्यूल, ओके। अब ये यहाँ से जो एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है विच इज़ कॉल्ड स्टाइल एंड अनदर वन इज़ ये जो ऊपर आपके पास छोटा सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा। तो ये वाली जो चीज़ हो गई वो कौन सी हो गई, ओवरी, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, ये तीन चीज़ों से मिलकर जो है वो क्या चीज़ बन रही होती है, कार्पल बन रहा होता है, जो कि गायनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है प्लांट फ्लावर का, ओके। अच्छा, देयर मे बी द स्मॉल ग्लैंड और नेक ट्रीज। अब इसमें जो ये आपको जो ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये आप इसको देखें अगर करीब करके, तो यहाँ पर एक जो है वो स्ट्रक्चर अलग से दिखाया गया, ये है नेक ट्रीज। नेक ट्रीज क्या चीज़ होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि कोई जूस लाइक मटेरियल होता है, जो कि किसको क्या कर रहा होता है कि ये इंसेक्ट्स को जो है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बटरफ्लाइज वगैरह जो होती है वो प्लांट फ्लावर्स पर जो है वो सक कर रही होती हैं उसका जूस, तो ये यही नेक्टर होता है जो कि बटरफ्लाई अट्रैक्ट होकर उनके पास जाती हैं और वहाँ से वो अपना नेक्टर लेकर किसी और प्लांट पर जाती हैं, ठीक है। अब आपके पास है वेरिएशंस इन फ्लावर। अब फ्लावर्स आपके पास दुनिया में बहुत सारी तरह के हैं, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बने हुए हैं। फर्स्ट वन जो सबसे ज़्यादा फेमिलियर है वो कौन सा है, रोज़, गुलाब का फूल। दूसरा है वो स्वीट पी, हाइबिस्कस, सनफ्लावर, ठीक है। ये तीनों फ्लावर्स तो आपने देखे होंगे, बल्कि ये चारों ही आपने देखे होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है ये फ्लावर्स हैं, ओके। ये भी जो है वो एक तरह से जो है वो फ्लावर ही कहला रहा होता है। अब ये क्या है, सम फ्लावर आर नॉट ब्राइटली कलर्ड। आप ये देख रहे होंगे चारों फ्लावर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, तो सम फ्लावर आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, दे आर ग्रीन एंड अरेंज इन एन इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्पाइक्स, हैव नो सेंट और नेक्टर। इन सारे फ्लावर्स की कोई ना कोई स्मेल होगी, ठीक है, किसी की अच्छी होगी, किसी की नॉर्मल होगी, लेकिन इसकी जो है वो कोई स्मेल नहीं होती, क्योंकि इसमें और कोई इसमें कोई नेक्टर भी नहीं होता, ठीक है। इसमें कौन से फ्लावर्स ले सकते हैं, इसमें आप वीट, मेज़, ग्रास, ठीक है, इस तरह की ये ग्रास होती है, वीट, गंदम जिसे हम कहते हैं, ये उसका पौधा है, ठीक है। तो फ्लावर्स के बारे में यहाँ पर बात आपकी हो गई कंप्लीट। अब है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर। बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमने फ्लावर्स को डिस्कस कर लिया। फ्लावर में सबसे पहले हमने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को लिया, उसके बाद अब हम आ रहे हैं एनिमल्स पर। द बॉडी ऑफ एन एनिमल कैन बी डिवाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट रीजन, वन द हेड एंड द अदर वन इज ट्रंक,
ठीक है। एनिमल्स की बॉडी जो है वो दो पार्ट्स पर डिवाइड हो रही होती है। फर्स्ट वन जो है वो मैंने बता दिया हेड, और अदर जो है वो कौन है, ट्रंक है। हेड में अब आपके पास कौन कौन से रीजन्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है, इसे देखना है। द हेड इज़ द फ्रंट एंड इंटीरियर पार्ट। ज़ाहिर है हेड जो है वो फ्रंट पार्ट होता है किसी भी एनिमल का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इट यूजुअली कंटेन्स द माउथ। हेड पार्ट में क्या चीज़ मौजूद होती है, माउथ एंड द सेंसरी ऑर्गन्स। द हेड ऑल्सो कंटेन द ब्रेन विच कंट्रोल एंड कनेक्ट्स ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स। हेड में जो है वो क्या कंटेन्स किया हुआ होता है, ब्रेन, दिमाग, एंड विच कंट्रोल एंड कनेक्ट्स ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स। और जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो आइज, नोज, एयर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कौन सी होती हैं, सेंस ऑर्गन कहलाती हैं। और ये कहाँ पर मौजूद होती हैं, आपके हेड पार्ट में होती हैं। द सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प द एनिमल डिटेक्ट चेंजेस इन द सराउंडिंग एंड रिएक्ट टू देम अकॉर्डिंगली। सेंसरी ऑर्गन्स का क्या काम होता है कि ये एनिमल्स को क्या कर रही होती हैं, कि उनको बता रही होती हैं कि उनके सराउंडिंग में क्या चेंजेस आ रही हैं, डिटेक्ट कर रही होती हैं कि कोई, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई शिकारी उनका शिकार करने के लिए आया तो, या उनको कोई एनिमल ही कोई मारने के लिए आ रहा है, हंट करने के लिए आ रहा है, तो क्या होगा कि वो उसको बताती हैं, डिटेक्ट करती हैं कि यहाँ पर, ठीक है, कोई डेंजर है, यहाँ पर आप वहाँ आ जाएँ, ठीक है। इस तरह से वो उनको बता रही होती हैं कि किस वक्त क्या करना है। सेंसरी ऑर्गन का ये काम है। अच्छा, अब ट्रंक क्या है। द ट्रंक इज़ द लोअर और पोस्टीरियर पार्ट। ट्रंक जो है वो लोअर, मतलब कि किसी भी एनिमल का पीछे वाला पार्ट या निचला पार्ट को हम जो है वो ट्रंक पार्ट कह रहे होते हैं, ठीक है। इट विच कंटेन्स ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो इंक्लूड द लिम विच एनेबल्स द एनिमल टू मूव। अच्छा, अब इनके नीचे या पोस्टीरियर या लोअर साइड पर क्या चीज़ मौजूद होती है, जो है वो लिम्स मौजूद होते हैं जो कि उनको मूव करने में, एनिमल्स को मूव करने में हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। दो पार्ट हमने ये देख लिए। स्केलेटन, स्केलेटन नॉर्मली आप पढ़ते आए होंगे, इसका उर्दू मीनिंग क्या होती है, ढांचा। तो क्या है, एनिमल बॉडीज़ आर सॉफ्ट एंड इलास्टिक, सो दे नीड अ हार्ड सब्सटेंस टू सपोर्ट एंड देम सपोर्ट देम। फॉर एग्जांपल किसी एनिमल के अंदर अगर बोन्स नहीं है तो वो एनिमल किस तरह का होगा। आप सबने जेली फिश देखी होगी, ठीक है, तो जेली फिश के अंदर जो है वो कोई भी जो है वो बोन नहीं होती, इसीलिए वो जेली फिश जो है वो इतनी सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो एनिमल बॉडी जो है वो सॉफ्ट ही होती है, लेकिन क्या है कि उसको सपोर्ट चाहिए होती है मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो इसलिए जो है वो वहाँ पर क्या चीज़ अल्लाह ताला ने उनको मौजूद दी है, स्केलेटन दिया है। जो सम सॉफ्ट बॉडीज एनिमल, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉफ्ट बॉडीज़ होते हैं, जैसे जेलीफिश के बारे में बात कर ली, डोंट हैव अ हार्ड स्केलेटन, उनके अंदर जो है वो हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता। दे सराउंडिंग वाटर सपोर्ट्स बाय द बॉडी, और उनको जो है वो क्या चीज़ सपोर्ट कर रही होती है, उनको वाटर जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा होता है। द हार्ड मटेरियल विच सपोर्ट्स एंड गिव्स शेप टू द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड स्केलेटन। जो हार्ड मटेरियल की मैं बात कर रही हूँ उसी को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, स्केलेटन नाम दे रहे होते हैं। वो हार्ड मटेरियल जो है वो बॉडी का एक शेप प्रोवाइड कर रहा होता है जिसका नाम है स्केलेटन। अब स्केलेटन भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या चीज़ है। सम्स ऑफ बॉडीज एनिमल लाइक अर्थवॉर्म एंड कैटरपिलर। अर्थवॉर्म सबने देखा होगा, यहाँ डायग्राम में भी पिक्चर बनी हुई, आप बुक में भी आपके पास पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। तो अर्थवॉर्म में क्या है, अर्थवॉर्म या कैटरपिलर डोंट हैव हार्ड स्केलेटन। इन दोनों के पास जो है वो हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता। देयर बॉडीज आर सपोर्टेड बाय द लिक्विड विच इज़ प्रेजेंट इन द सेल। इनकी बॉडी इंटरनली जो है वो खोखली होती है, होलो होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक लिक्विड जो है वो फिल हुआ होता है, ठीक है, वाटर समझ लें फिल हुआ होता है, इसीलिए इसको जो है वो हाइड्रो का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और इनके अंदर जो है वो कोई हार्ड स्केलेटन मौजूद नहीं होता, ठीक है। अनदर वन इज़ एग्जोस्केलेटन। कॉकरोच सबने देखा होगा, कॉकरोच, ठीक है, या आंट, ठीक है, दो एग्जांपल्स आपके पास हैं। एन एग्जोस्केलेटन इज़ फाउंड इन मोस्ट इनवर्टिब्रेट। द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स आर कवर्ड बाय द हार्ड टफ स्किन और क्यूटिकल। देखा होगा आप सबने कि आपने कॉकरोच की अगर मैं बात कर लूँ तो क्या होता है कि इसकी जो ऊपर स्किन होती है वो क्या होती है, थोड़ी हार्ड होती है, टफ़ होती है, ठीक है, जो किसको हम क्या नाम दे रहे हैं, क्यूटिकल का नाम दे रहे हैं। विच इज़ मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वाटर प्रूफ मटीरियल कॉल्ड चाइटिन, जो कि किससे बनी हुई है, वाटर प्रूफ मटीरियल से बनी हुई है, जिसका नाम क्या है कि वो चाइटिन, इसका जो अदर नेम है वो क्या है, चाइटिन। द क्यूटिकल इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्लेट एंड हॉलो ट्यूब्स विच डोंट ओनली प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी। अब ये जो हार्ड कवरिंग है ये क्या काम कर रही होती है, इसको जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है, कि इतनी ईजिली जो है वो, ताकि इसको कोई, अगर किसी ने कॉकरोच को कभी मारो यार, ठीक है, तो कभी आपका इत्तेफाक हुआ कॉकरोच को मारने का या कुछ हो, तो इसके ऊपर क्या होता है कि एक हार्ड स्केलेटन होता है, ये इतनी आसानी से नहीं मर जाता, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो क्या कहला रही होती है, एग्जोस्केलेटन। यही सेम बात जो है वो आंट के लिए है,
इसके बाद आपके पास कौन सी एग्जांपल आ जाती है, एंडोस्केलेटन। ऑल वर्टिब्रेट्स आर सपोर्ट बाय द हार्ट मटेरियल, एंडोस्केलेटन्स में हमारी एग्जांपल्स भी आती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑल वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं, जिनकी बैकबोन्स मौजूद होती हैं, ठीक है। हमारी भी बैकबोन है, इनकी भी बैकबोन्स हैं, ठीक है। ये रैबिट का ही स्केलेटन यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। तो हार्ड इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने एंडोस्केलेटन बोल दिया। द एंडोस्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़। अब आप अगर यहाँ पर पिक्चर्स में देख रहे हों तो यहाँ पर जो बोन्स हैं वो डिफरेंट साइज़ की है। यहाँ पर ये बोन छोटी है, ये बोन का साइज़ डिफरेंट है, इस बोन का साइज़ अलग है, तो वो डिफरेंट साइज़ ऑफ बोन्स से जो है वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है। इट सपोर्ट द बॉडी एंड गिव इट्स शेप। ये क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा होता है, ओके, ठीक है। तो ये शेप प्रोवाइड कर रहा होता है। अब आपके पास है बोन्स। बोन्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड मिनरल सब्सटेंस सच एज कार्बोनेट एंड फॉस्फेट्स। बोन्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, कैल्शियम से बनी हुई होती हैं, फॉस्फेट और कार्बोनेट से बनी हुई होती हैं, ठीक है। अगर अब हम इस स्केलेटन की बात कर लें, अपनी बात कर लें, ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, तो क्या होता है जनरल प्लान ऑफ द स्केलेटन, क्या स्केलेटन का स्ट्रक्चर बनाया गया है, अल्लाह ताला ने किस तरह से इनको डिज़ाइन किया, इसको देख लेते हैं। द स्केलेटन ऑफ द मैमल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैमल्स का स्ट्रक्चर जो है वो किस पर बेस कर रहा होता है, स्केलेटन टू पार्ट्स पर, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, स्कल आ जाता है, खोपड़ी, वर्टेब्रल कॉलम, बैकबोन, इसकी जो बैकबोन है, ठीक है, आपकी भी बैकबोन है ना, पीछे हाथ लगा कर आप चेक कर सकते हैं अगर नहीं है तो, ठीक है। तो वर्टेब्रल कॉलम में आपके पास सबसे पहले क्या आ गया, एक्सियल में क्या आ गया, स्कल आ गया, वर्टेब्रल कॉलम आ गया, एंड द रिब केज फ्रॉम द एक्सियल स्केलेटन। रिब केज इसको बोलते हैं, जिसको आप उर्दू में या आम जबान में पसलियाँ कहते हैं ना, इसको बोलते हैं रिब केज, ठीक है। द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज़ अटैच टू द एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो किससे अटैच हुआ होता है, एक्सियल से। अब जो यहाँ से पार्ट शुरू हो रहा है वो कौन सा पार्ट कहलाएगा, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। द शोल्डर ब्लेड एंड द हिप बोन्स, द बोन्स ऑफ द आर्म, लेग एंड शोल्डर ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। हिप बोन, ये वाली बोन, हिप बोन जो है वो क्या कहला रही, हिप बोन जिसके साथ अटैच होगी, ठीक है। आर्म्स, लेग्स, शोल्डर, ये सब जो हैं वो कौन सी कहला रही हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाएंगे। अब क्या है आपके पास, जॉइंट्स। आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि फना